हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है तेज और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल न्यू टेक वर्ल्ड पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको जियो फाइबर का जो 4K सेट टॉप बॉक्स है इसकी डिटेल्स बताऊंगा, इसमें क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सारी डिटेल आगे मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, जो जियो फाइबर का सेट टॉप बॉक्स है इस तरीके से शो होता है, आप देख सकते हैं। इसमें फ्रंट में एक LED दी है और कुछ नहीं है। इसके साइड में भी आपको कोई पोर्ट्स वगैरह कुछ नहीं है। वेंटिलेशन के लिए कुछ वेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। और दोस्तों, बैक साइड आप देख सकते हैं ये पोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये पावर के लिए पोर्ट हो गया, ये आपका USB केबल के लिए दो पोर्ट दिए हुए हैं। एक आपका USB 3.0 का पोर्ट है, एक USB 2.0 का पोर्ट है, एक आपका इथरनेट का पोर्ट दिया हुआ है। अगर आपको डायरेक्टली इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए इथरनेट केबल कनेक्ट करना है तो यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये HDMI पोर्ट हो गया आपका TV में कनेक्ट करने के लिए, वीडियो वगैरह के लिए। और एक ऑप्टिकल पोर्ट मिलता है, तो ऑप्टिकल पोर्ट से आप साउंड वगैरह को कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने एक बार कनेक्ट करके देखा था लेकिन साउंड उसमें आ नहीं रही थी इस ऑप्टिकल पोर्ट के थ्रू। दोस्तों, ये कि यहाँ पे एंटीना पोर्ट दिया हुआ है, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है क्योंकि आपका जियो फाइबर सेट टॉप बॉक्स जो लाइव टीवी चैनल से इंटरनेट के थ्रू ही चलते हैं, आपका जियो टीवी प्लस ऐप है उसके थ्रू चलते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई, वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं जो लाइव टीवी चैनल से कौन कौन से आपको जियो फाइबर सेट टॉप बॉक्स में देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये सेट टॉप बॉक्स आपका दिखता है। और जो आजकल जियो एयर फाइबर के साथ नया सेट टॉप बॉक्स आ रहा है उसमें आपका एंटीना का पोर्ट ये गायब कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों ये आपका ऑप्टिकल पोर्ट भी उसमें नहीं आ रहा है। तो अब दोस्तों इसको हम कनेक्ट करते हैं टीवी से, इसकी फंक्शनलिटी और डिफरेंट इसके फीचर को टेस्ट करते हैं। HDMI केबल से दोस्तों यहाँ से कनेक्ट कर लेता हूँ इसको मैं। इसके बाद में इंटरनेट के लिए मैं इथरनेट केबल से इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। इसका जो जियो फाइबर का राउटर है इसी के थ्रू मैं इथरनेट केबल से इसको कनेक्ट किया हुआ है। और यहाँ से हम पावर पोर्ट से इसको कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। तो ये आपका कनेक्ट हो गया, कनेक्शन कंप्लीट हो गया। तो अब आपको देख लेते हैं इसमें क्या क्या फीचर देखने को मिलते हैं। ये दोस्तों आपका टर्न ऑन हो गया है आपका जियो का फाइबर का सेट टॉप बॉक्स है। दोस्तों, जियो फाइबर का सेट टॉप बॉक्स और डिटेल्स बताने से पहले इसका रिमोट मैं आपको बताता हूँ। इसका रिमोट इस तरीके से दिखाई देता है, आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे बटन्स आपको मिल जाएंगे। कुछ एप्लीकेशन के डायरेक्ट हॉट कीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, डिज्नी हॉटस्टार का, नेटफ्लिक्स का, यूट्यूब का और वूट का। वूट तो आजकल बंद ही हो गया है, तो ये बटन आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा इसमें आप नंबर के कीपैड भी दिए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें डिफरेंट कलर्स के आइकन के बटन भी हैं, डिफरेंट ऑप्शंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने जियो फाइबर के सेट टॉप बॉक्स में। इसके अलावा दोस्तों वॉइस कमांड का एक बटन भी दिया हुआ है, यहाँ से प्रेस करके आप वॉइस कमांड दे सकते हैं और एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं या फिर कुछ सर्च कर सकते हैं एप्लीकेशन, वो भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस तरीके से आपको ये रिमोट में आपको देखने को मिलता है जियो फाइबर सेट टॉप बॉक्स का। अब दोस्तों इसमें होम बटन प्रेस करते हैं, इसमें गो टू होम का एक ऑप्शन आ रहा है, इसको ओपन करते हैं यहाँ से। तो आपका देख सकते हैं इस तरीके से इंटरफेस होता है। जो होम स्क्रीन है उसमें आपके डिफरेंट एप्लीकेशन आपको शो हो जाएंगी जो इंस्टॉल्ड है। आप देख सकते हैं ये सारी एप्लीकेशन जैसे डिज्नी हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब, G5, ये सारी एप्लीकेशन यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी, MX प्लेयर वगैरह है। दोस्तों ये कस्टमाइज एंड्रॉयड बॉक्स की तरह है, इसमें एंड्रॉयड जो बॉक्स में आपका प्ले स्टोर होता है गूगल प्ले स्टोर वो आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए दोस्तों इसमें जियो स्टोर यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस जियो स्टोर के थ्रू आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ भी जो भी एप्लीकेशन अवेलेबल होंगे आपको वो यहाँ से आप इंस्टॉल कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं ये जियो टीवी प्लस एक यहाँ पे आप लाइव टीवी चैनल्स देख सकते हैं। इसको ओपन करेंगे तो आपको डिफरेंट जो भी लाइव टीवी चैनल्स हैं वो शो हो जाएंगे। जैसे यहाँ टीवी गाइड में अगर आप जाएंगे दोस्तों तो सारे आपको लाइव टीवी चैनल्स यहाँ पे शो हो जाएंगे जो कि आप देख सकते हैं, एंटरटेनमेंट है या फिर आपका किड सेक्शन है या फिर स्पोर्ट्स है या फिर आपका इन्फोटेनमेंट है, सभी चैनल्स यहाँ आपको शो हो जाएंगे। काफ़ी सारे चैनल्स आपको मिल जाएंगे इसमें, अराउंड 550 प्लस टीवी चैनल्स आपको मिल जाते हैं कुछ पैक्स में। जैसे कुछ चैनल्स यहाँ से ओपन करके देख लेते हैं, जैसे आपका स्टार प्लस चैनल है दोस्तों, तो ये क्या है कि डिज्नी हॉटस्टार में जाके प्ले होता है। जैसे इसको प्ले करते हैं स्टार प्लस को, तो आप देख सकते हैं डिज्नी हॉटस्टार के ऐप में ये चला जाता है, वहाँ जाके प्ले होता है। इसमें डायरेक्टली आपका लाइव नहीं आता है, इसमें जो भी लेटेस्ट एपिसोड होगा आपका डिज्नी हॉटस्टार ऐप में वो आपका प्ले हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जैसे आपका सोनी का चैनल है, ये सोनी एंटरटेनमेंट चैनल, ये यहीं पर आपका प्ले हो जाएगा। सोनी लिव के थ्रू टाइप है, ये आप देख सकते हैं ऐसा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, सोनी लिव यहाँ पे आइकन आ रहा है एक साइड में, और यहाँ पे आपको डिजिटल फीड दिखाई दे रहा है। ये HD चैनल लेकिन तब भी थोड़ी सी क्लैरिटी इसमें कम आ रही है, इतनी अच्छी क्लैरिटी नहीं आ रही है जितनी कि आपकी सेट टॉप बॉक्स में आती है। तो बाकी न्यूज चैनल्स मिल जाएंगे, काफ़ी चैनल्स दोस्तों आप इसमें लाइव टीवी चैनल्स देख सकते हैं। दोस्तों जो जी नेटवर्क के चैनल्स हैं वो G5 ऐप के थ्रू प्ले होते हैं। जैसे ये GTV का कुछ चैनल ओपन करना है मुझे, तो आपका ये प्ले करेंगे तो G5 ऐप में जाके ये प्ले हो जाता है। तो इस तरीके से इसमें ये चैनल्स ओपन होते हैं आपके जियो फाइबर का सेट टॉप बॉक्स है। अब कुछ और फीचर देख लेते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों एक ऐप है यहाँ पे माई जियो,
तो अगर आपको कोई इशू आता है, कोई एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रही है, लॉगिन नहीं हो रही है, तो माई जियो ऐप है, इसको ओपन कर लीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपका साइन इन हो जाएगा जियो फाइवर के सेटअप बॉक्स में, जो आपका रजिस्टर मोबाइल है। आपको कुछ भी नहीं करना है, उसके बाद आप एप्लीकेशन को प्ले करेंगे या ओपन करेंगे तो वो आपकी एप्लीकेशन वहाँ से ओपन हो जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप ऊपर जाएंगे सेटिंग्स में, तो देख सकते हैं काफ़ी सारे सेटिंग्स में आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ सेटिंग्स ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अबाउट में आपको ये सब ऑप्शन मिल जाएंगे, सॉफ्टवेयर अपडेट्स वगैरह, स्टेटस है, मॉडल नेम वगैरह, ये सब डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएंगी। नेटवर्क की डिटेल्स यहाँ पे कुछ दी हुई हैं, इथरनेट से कनेक्टेड, ये सब डिटेल्स आ रही है। इसके अलावा एप्लीकेशंस हैं, आप देख सकते हैं डाउनलोडेड ऐप्स यहाँ आपको शो हो जाएंगे, यहाँ से ऐप आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर किसी एप्लीकेशन को इशू आ रहा है तो क्लियर डाटा और क्लियर कैश करके उसको रिजोल्व कर सकते हैं आप यहाँ से, तो ये ऑप्शन हो गया आपका। इसके अलावा अकाउंट स्टोरेज की कुछ डिटेल्स है, स्टोरेज आप देख सकते हैं कितनी है, डिवाइस स्टोरेज यहाँ देखेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें टोटल स्टोरेज दिखा रहा है, इंटरनल शेयर्ड स्टोरेज 4.21 GB, तो इतना स्टोरेज इसमें अवेलेबल है। एक मैंने जियो HD बॉक्स का पिछले वीडियो में बनाया था, उसमें ज़्यादा स्टोरेज थी, उसमें अराउंड 32 GB के आसपास स्टोरेज थी, इसमें कम दिखा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ से डिस्प्ले ऑडियो डिवाइसेस से आप ये डिस्प्ले सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन साइज है, रेजोल्यूशन है, HDMI रेजोल्यूशन, तो आप देख सकते हैं 4K सेटअप बॉक्स है, तो इसमें आप दिखा रहा है आपका 4K 60Hz को सपोर्ट करता है। इसके अलावा 4K 50Hz 30Hz फुल HD 60Hz ये सब ऑप्शन आप चाहें तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं एज पर आपने TV के हिसाब से। डिजिटल ऑडियो फॉर्मेट है तो आप देख सकते हैं PCM का ऑप्शन है, SPDIF है, ऑटो है, तो इसको ऑटो पर रख सकते हैं आप। अगर आप ऑप्टिकल केबल से कनेक्ट करेंगे तो SPDIF सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इसमें कोई इशू आ रहा था, मैंने कनेक्ट करके देखा था अपने साउंड बार को, तो ऑडियो नहीं आ रही थी SPDIF में। HDMI CEC ये चाहे तो ऑन कर सकते हैं, ये सब सेटिंग्स हैं। और दोस्तों, इसमें कुछ मैं कंटेंट आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, आपको यूट्यूब से कुछ 4K कंटेंट प्ले करके दिखा देता हूँ। इसमें यूट्यूब ओपन करते हैं यहाँ से, जैसे ये वाला देख लेते हैं दोस्तों, जेलर का गाना 4K का, इसका रेजोल्यूशन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ सेटिंग में जाएंगे अगर आप, तो रेजोल्यूशन आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो क्वालिटी में 2160p यानी 4K में चल रहा है, तो 4K क्वालिटी में आपका चल रहा है। और कुछ एप्लीकेशन और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से डिज्नी हॉटस्टार यहाँ ओपन कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों, ये एक आर्या सीरीज मैंने ओपन की है, क्वालिटी फुल HD में चल रही है, तो आप देख सकते हैं ये प्लान एक्चुअली में ऐसा 4K का नहीं है, बाकी 4K का प्लान होता तो आप यहाँ से 4K कंटेंट भी ऐसे देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये 4K सेटअप बॉक्स के फीचर्स और डिटेल्स मैंने बताई इस वीडियो में, आप 4K कंटेंट इस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको जियो फाइबर का जो 4K सेटअप बॉक्स है उसकी डिटेल्स बताई। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है, और दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यहाँ पे आपको ऐसे यूजफुल कंटेंट फ्यूचर में देखने को मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।